यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप बहुत दिनों से चर्चा यहाँ पर जो संघ चल रहा है सुन रहे होंगे इसको, कि कैसे दक्ष प्रजापति जो रहते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी ने उनको सेवा दिया भाई जो है आप प्रजा की उत्पत्ति करो, संतान पैदा करो ताकि ये जो आत्मा भटक रही है उनको शरीर मिले, और उसके लिए वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि दक्ष प्रजापति जो है यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में सबको बुलाया जाता है, सब लोग आते हैं यज्ञ में, सभी देवी देवता आते हैं, और प्रमुख जो देवता हैं ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी शिव जी भी आते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि दक्ष प्रजापति आते हैं तो सब लोग उनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी पिताजी हैं तो वो खड़े नहीं होते सम्मान में, बाकी लोग सम्मान देते हैं, और शिव जी भी जो है वो सम्मान में खड़े नहीं, तो ब्रह्मा जी से आपत्ति नहीं थी उनको, आपत्ति किससे थी, शिव जी से थी। क्यों आपत्ति थी, यहाँ बता रहे हैं कि उनको इच्छा नहीं थी अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए उनके साथ, लेकिन करना पड़ा, तो पहले से ही हृदय में जो थी क्या थी, ईर्ष्या थी। ईर्ष्या जो कैसा है कि कभी कभी ईर्ष्या बड़ी इलॉजिकल होती है, ईर्ष्या जो है वो हमारे हृदय में है, सारे एनर्जी इलॉजिकल हैं, लॉजिक नहीं इनके पीछे कुछ भी, तो इसलिए ईर्ष्या जो बड़ी इलॉजिकल होती है उसको लॉजिक नहीं होता। हम किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, कभी कभी हम ईर्ष्या करते हैं कि भाई इसके पास ईर्ष्या कब कर, जब हम से बेहतर कोई व्यक्ति होता है किसी भी चीज में होता है, ऑपुलेंस में हो, टैलेंट में हो, भक्ति में हो, किसी भी फील्ड में हमसे कोई व्यक्ति आगे होता है हमको उससे ईर्ष्या हो जाती है, कभी कभी ईर्ष्या होती है हमको जो हमसे ऐसे ही कोई रोड भिखारी है, कोई भी रोड पे चल रहा है, हम उस पर कमेंट कर देते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं वो पता नहीं लेकिन सेटल फॉर्म ईर्ष्या है हमारे अंदर। ईर्ष्या क्या है, बड़ी ही इलॉजिकल है। संसार में आने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर ईर्ष्या आती है, भगवान से ईर्ष्या होती है, तो अगर भगवान से ईर्ष्या हो सबसे ईर्ष्या होगी, भगवान से प्रेम होगा सबसे प्रेम होगा। संसार में आते हैं तो क्या आती है, हमारे अंदर ईर्ष्या आती है, सबसे पहले ईर्ष्या आती है, तो ईर्ष्या आती है तो क्या आ जाता है, बाकी सब अपने आप आ जाते हैं, बाकी दुर्गुण जो होते हैं वो जो भी दुर्गुण है काम क्रोध लोभ मोह मद ये सब आ जाते हैं ईर्ष्या के पीछे, और फिर और जो है अनर्थ आते जाते हैं संसार में, हम जो है फंसते जाते हैं। भगवान से ईर्ष्या करते हैं तो क्या होता है, सबसे ईर्ष्या हो जाती है, भगवान से प्रेम करते हैं तो क्या होता है, सबसे प्रेम। हमारे संसार में क्या है, ईर्ष्या है, और हमारी ईर्ष्या जो है वो सबसे है, तो हम हमारे आचरण ने उसको तीन कैटेगरी में बांटा है, वैष्णव ईर्ष्या, भगवान से ईर्ष्या, और जीव जो सामान्य जीवन से ईर्ष्या, सबसे मतलब भगवान से ईर्ष्या हमारी है, हम भक्ति करें तो हम वैष्णव हैं, तो हमारे वैष्णव समुदाय में हमारे अंदर ईर्ष्या होती है, हमको पता नहीं चलता, बहुत सेटल है, उसको समझने के लिए हमारी भक्ति होनी चाहिए, हाँ हमारे अंदर ईर्ष्या आ रही है, कभी कभी ईर्ष्या दिख जाएगी, कभी कभी ईर्ष्या नहीं दिख, और फिर हमारी जो सामान्य जीवन से ईर्ष्या है, तो आचार्य बताते हैं कि क्या करना चाहिए इसके लिए, वैष्णव ईर्ष्या खत्म करना है हमको, क्या करना पड़ेगा, वैष्णव की सेवा करनी पड़ेगी, फिर कौशला भक्ति सिद्धांत, हाँ सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते हैं युग धर्म क्या है, वैष्णव से वैष्णव सेवा करेंगे वो युग धर्म, वैष्णव सेवा वैष्णव से ईर्ष्या करना चाहिए, वैष्णव की सेवा करना चाहिए, जिस वैष्णव से हमारे अंदर हृदय में ईर्ष्या है उन वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। भगवान से ईर्ष्या है तो भगवान के नाम का जप करना चाहिए, तो हम करते ही हैं, भगवान के नाम को जप करते हैं, भगवान से ईर्ष्या खत्म करने के लिए, इसलिए हमको दिया गया साधना भक्ति, इसलिए हमको दी गई, इससे हमारा शुद्धिकरण होगा, और सामान्य जीव से ईर्ष्या तो क्या करना चाहिए, उनके लिए हमको प्रचार करना,
तभी ये हमारी तीन स्थितियां खत्म होंगी, नहीं तो खत्म नहीं होंगी। सोल्यूशन आचरण यही बताया है, भगवान ने सोल्यूशन दिया है कि वैष्णव सेवा करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए और जीव दया करना चाहिए। इसलिए प्रिंसिपल आता है वैष्णव सेवा नाम में रुचि जीव दया। वैष्णव की सेवा करेंगे तभी क्या होगा, नाम में रुचि आएगी और तभी क्या होगा, हम जीव दयानी हम प्रचार कर पाएंगे। बिना वैष्णव सेवा के संभव नहीं है। तो वैष्णव सेवा सबसे पहले हमारे जो आसपास के वैष्णव हैं उनकी सेवा करना, फिर हमारे जो संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी परम वैष्णव उनका सेवा करना, हमारे गुरुजन है उनका सेवा करना, तो वैष्णव सेवा है। तो ये सेवा करेंगे उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तब नाम रुचि आएगी, ये प्रिंसिपल है। कोई चीटिंग नहीं कर सकता इसमें, कोई चीटिंग नहीं कर सकता। कोई दिखा सकता है कि बड़ा नाम में रुचि है लेकिन सेवा नहीं करता, मतलब वो क्या है, प्रटेंडर है। क्या बोलते हैं प्रटेंडर को, क्या बोलते हैं, दिखावा करता है। असली नाम रुचि कब आएगी, जो सेवा करेगा उसको नाम रुचि आएगी। और तीसरा है जीव दया, जब नाम रुचि आएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप प्रचार करना चाहेंगे क्योंकि हृदय में कंपैशन आ जाएगा, है ना। जब हृदय में कंपैशन आ जाएगा तब क्या करेंगे, कंपैशन को व्यक्त करने के लिए प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे कृष्ण भक्ति के बारे में, तो ये अपने आप होगा। तो ये वैष्णव सेवा करना हमको, फिर नाम रुचि, फिर जीव दया, यहाँ पर हम सीखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शिव जी भागवत में हम क्या बताया गया है, वैष्णवानां यथा शंभु। शिव जी कौन है, परम वैष्णव। जितने भी वैष्णव हैं सब में परम कौन है, शिव जी भगवान के सबसे परम वैष्णव भागवत में। और दक्ष प्रजापति क्या कर रहे हैं, उनके प्रति अपराध कर रहे हैं, इतना भला बुरा कह रहे हैं। देखिए अभी कोई रियलिटी कुछ भी नहीं, उनको नहीं जम रहे हैं शिव जी, और थोड़ा सा गलती हो गया, सम्मान नहीं दिया, देखिए कितने बड़ा कुछ। जबकि शिव जी की पोजीशन कैसी है, ब्रह्मा जी से ऊपर है, उनको नहीं पता है। अहंकार में अज्ञानता के वश उन्हें क्या लग रहा है कि मैं जो हूँ कंट्रोलर हूँ, इसलिए अपराध तभी होते हैं, हम अहंकार में होते हैं, ईर्ष्या मान होती है, हमसे अपराध होते हैं। ऐसे हम देखते हैं कि शिशुपाल जो रहते हैं भगवान कृष्ण को कितना भला बुरा बोलते, भगवान सह लेते हैं, और क्योंकि रिलेटिव रहते हैं तो उनकी माता को, उनकी माता से भगवान के प्रति अपराध के, भगवान तो वध कर देते हैं, लेकिन भगवान सहते हैं और उनकी माता को बोलते हैं कि जब तक एक बार, मतलब ऐसा बोलते हैं कि मैं उसको माफ करता रहूंगा टिल द टाइम, जब तक एक बार में बिना सांस लिए 100 गाली देगा तभी मैं उसका वध करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। एक सांस में 100 गाली देगा, 100 बार निंदा करेगा तब मैं उसको पनिशमेंट दूंगा। पर एक दिन आ जाता है जब राजसूय यज्ञ में देखते हैं शिशुपाल, तो शिशुपाल का भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, माता रुक्मणी से विवाह करना चाहते थे लेकिन कैसे भगवान कृष्ण आते हैं और माता रुक्मणी को अपहरण करके ले जाते हैं, और सोचिए विवाह होने वाला है उनकी पत्नी को, कोई उठा के ले जाए कर ले, तो क्या बीतेगा उसके ऊपर, युद्ध भी करते हैं, युद्ध में हार जाते हैं, कितना क्रोध होगा अंदर, और वो सामने आ जाए आपके, और उसकी पूजा की जा रही हो। आसुरी यज्ञ में भगवान कृष्ण कौन थे, यजमान थे, यजमान के यहाँ पे जो एक जिनकी पूजा करनी थी, जिनको एक आइडल बनाना था, तो भगवान कृष्ण को मार्गदर्शन ने उनके पूजा किया, और शिवपाल भी आए हुए थे वहां पर देख रहे थे ये सब चल रहा है, सहा नहीं गया, इतना नहीं सहा गया, ईर्ष्या थी भगवान, और बिना सांस लिए एक बार बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक गाली दी जा रही, गाली दी जा रही, भगवान को भी अपराध कर रहे हैं। तो क्या होता है, भगवान क्या करते हैं, सीधा गला काटते, लेकिन वो भी दया है भगवान की, भगवान और अपराध करेंगे तो क्या होगा,
भगवान पनिशमेंट, भगवान का जो पनिशमेंट होता है वो भी क्या है, भगवान की दया होती है। अगर भगवान पनिशमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा कि हम सुधरेंगे नहीं। भगवान कष्ट देते हैं जीवन में, पनिशमेंट देते हैं, तो हमारे कर्मों का ही हो, लेकिन भगवान उसको क्यों लाते हैं? हालांकि हमने ही जो किया, हम हमारे ही पाप है जो हमने की, इसलिए हमको उसका दुख मिल रहा है। भगवान अलग से कुछ दे नहीं रहे हमको, शुद्ध भक्तों के भगवान अलग से इंटरफेयर करते हैं। हमारे केस में ऐसा नहीं, हमारे केस में हमारे कर्मों का ही हमको मिलता है, उसको भगवान कम करके देते, तब भी लोग भगवान को दोष देने लग जाते। सोचिए, कई लोग भगवान को दोष देने लग जाते। तो इस तरीके से भगवान को दंड देते हैं। दंड देते तो क्या होता है कि उनको वध कर देते हैं। और यहाँ पर भी देखते हैं हम कैसे दक्ष प्रजापति जो है अपराध करते हैं वैष्णो शिव जी के प्रति। और क्या होता है कि शिव जी तो कुछ नहीं करते, वहां से चले जाते हैं। तो ये पढ़ेंगे आगे, आगे और आएगा दोबारा से। फिर सतीश जो है सती माता जाती हैं, दोबारा से यज्ञ होता है, मिलने के लिए माता पिता से मिलने के लिए जाती हैं, लेकिन शिव जी नहीं जाते। वो जिद करते जाने की, शिव जी मुझे चले जाने देते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि फिर से निंदा कर रहे हैं दक्ष प्रजापति। तब तो सती माता जो है सह नहीं पाती, अपना शरीर त्याग कर देती हैं, अग्नि में जो अपने शक्ति से अग्नि प्रकट करती हैं और शरीर त्याग कर देती हैं। और जब ये बात शिव जी को पता चलती है, नारद जब उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, माता सती ने जो शरीर त्याग कर दिया है, दक्ष प्रजापति ने ऐसा ऐसा बोला है, तब शिव जी क्रोध में जाते हैं। वो भी स्वयं नहीं जाते, वो क्या करते हैं अपने जटा से प्रकट करते हैं, वीरभद्र आए। अब वो जाते हैं और युद्ध होता है, और शिव जी जो हैं, जो उनके जो अंश रहते हैं उनका सर धड़ से अलग कर देते, प्राप्त करते हैं, तो पनिशमेंट को दे देते हैं। लेकिन फिर बाद में दया आती है, तो फिर क्या करते हैं, बकरी का सर लगाते हैं। क्योंकि दक्ष जो है, मैं अहंकार में थे, मेरा मैं अहंकार में क्या हो जाता है, बकरी का सिर लगा दिया। इसलिए हम सीखते हैं यहाँ पे वैष्णव अपराध तो नहीं करना चाहिए हमको, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है बहुत सारे स्तर होते हैं वैष्णव अपराध के। हमें किसी वैष्णव को जज भी नहीं करना चाहिए। वैष्णव समुदाय में रहते हैं तो वो सिंपल सी मेंटेलिटी हमारी होती है, हम वैष्णव को जज करते। यही वैष्णव जो है, वंशा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वे वचा पतिता नाम पावने विवश, यही जो वैष्णव है ये कौन है, कल्पतरु के समान है, साधारण जीव नहीं। हमारे आसपास वैष्णव रह रहे हैं, साधारण जीव नहीं है, है ना। यही वैष्णव के आशीर्वाद से हम क्या होगा, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त। ये जो वैष्णव आशीर्वाद देंगे हमको, उनको प्रसन्न करेंगे हम, तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाएंगे। तो पहले अगर चर्चा किया था हमने कि हम जब हमको भी धाम जाते हैं, तो धाम में हम हमको हम भक्ति कर रहे थे, हमको बताया जाता है कि धाम वासियों से बहस नहीं करनी चाहिए, धाम वासियों को अपराध नहीं करना चाहिए, हमको बताया जाता है। हम जब धाम जाते हैं बड़े सतर्क रहते हैं, कोई व्यक्ति धाम वास देखता है, ब्रजवास देखता है, बड़ा प्रणाम करते हैं, नम्रता से बात करते हैं। कोई भी कैसे ही हो, चाहे वो गुटखा खा रहा हो, शराब, कोई भी कैसे व्यक्ति, हम सम्मान देते हैं उसको। हमको यही सिखाया जाता है रिस्पॉन्स में, धाम वासियों को अपराध मत करना, ऑटो वालों से बहस मत करना, जो भी रह रहा है धाम में उसको सम्मान देना। तो वहां पर हम वृंदावन जाते हैं, देखते हैं कि ऐसे लोग हमारे मन में कहते हैं भाई धाम वासी सम्मान देना। यहाँ पर तो हम जिनके साथ रह रहे हैं वो तो सोलह माला जप करते, भक्ति करते, कितना स्वच्छ रहते हैं, कितने आदर्श रहते हैं, क्लीन रहते हैं, तो उनको सम्मान क्यों नहीं देना चाहिए। इन्हीं वैष्णव के आशीर्वाद से क्या होगा, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो पाएंगे। तो वैष्णव को देख के, इसलिए हम बताया ईर्ष्या बोली इलॉजिकल है। किसी वैष्णव को आप जानते नहीं हो, लेकिन उसको देख के आप खरीदे में ईर्ष्या आ जाएगी, पता नहीं इसलिए ईर्ष्या बड़ी इलॉजिकल। अरे कैसा है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे बोलता है, ऐसे कोई खाता है क्या, ऐसे कोई बैठता है क्या, हम जज करते हैं। तो जज करते फिर क्या होता, बाद में उसको हमको पता नहीं चलता, हम दूसरे वक्त चर्चा भी कर लेते हैं, अरे ये देखो कैसे बैठा है, कैसे बात करता है, कैसे चलता है, ऐसा है ऐसा है, हमने बोल दिया अपराध हो गया हमारा, निंदा कर दी वैष्णव। तो हमको निंदा से बचना चाहिए, यहाँ पर निंदा कर रहे हैं दक्ष प्रजापति, इसलिए भागवतम में प्रसंग खोल के बताया गया है।
और अपराध करने के बाद भी दक्ष प्रजापति का जन्म लेंगे, इसमें तो ब्राह्मण है, अंगने में क्षत्रिय बनते हैं, अभी आएगा 34 कब में आता है, 35 कब, इसी में आएगा सर, एग्जैक्टली पता नहीं, जब दक्ष प्रजापति क्षत्रिय बनते हैं और फिर 10,000 पुत्र उत्पन्न करते हैं, बोलते हैं जाओ तपस्या करो, नारद मुनि जाते हैं पीछे पीछे प्रचार कर देते हैं, 10 के 10,000 बच्चों को ब्रह्मचारी बना देते हैं। दक्ष प्रजापति को गुस्सा आता है, ये हमारे बच्चों को ब्रह्मचारी बना दिए, मुझे सेवा दी गई है, हम आगे बढ़ाना है, फिर 1,000 पुत्र फिर उत्पन्न करते हैं, फिर जाते हैं उनको भेजते जाओ तपस्या करो और संतान उत्पत्ति करने मेरी सहायता करो, जाते तपस्या करने के लिए, नारद मुनि बोलते अरे आप बड़े भाई तो ब्रह्मचारी बन गए, आप क्यों संसार में फंसे ग्रस्त बन के, उनको ब्रह्मचारी बना देते हैं, तो अब दक्ष को गुस्सा जाता है, फिर बड़ा ही जैसे यहाँ बात कर रहे हैं वैसे ही बोलते हैं नारद मुनि को, ऐसे ही शब्दों से प्रयोग करते, तुम असाधु हो, गाली देते हैं, असाधु बोलते हैं, कितने महान साधु नारद मुनि, उनको असाधु बोलते क्योंकि क्रोध है, अपराध किया इसलिए वो अगले जन्म में पीछे पीछे रहते, नहीं ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते, ब्रह्मा जी बताते हैं आप जो पुत्र उत्पन्न करिए, तो फिर 40-60 पुत्र उत्पन्न करते हैं, फिर जो अलग अलग उनको देते हैं, उनको पुत्र को प्रचार करेंगे ना आदमी ना ब्रह्मचारी, तो ये टेंडेंसी आगे बनी रहती है, ये हमको अपराध से बड़ा सतर्क रहना चाहिए, बचना चाहिए। हम एक प्रसंग देखते हैं कैसे गदाधर पंडित जो रहते हैं, तो एक बार मुकुंद के साथ जाते हैं पुंडरीक विद्या नदी के यहाँ, पुंडरीक विद्या नदी कौन है, बड़े महान भक्त भगवान रतन लीला में जो है वो महान भक्त कृष्ण लीला में वो वर्षमानु महाराज रहते हैं, तो जाते हैं और बड़ी ठाट बाट से रहते हैं, मुकुट पहना है, रेशमी कपड़े पहने हैं, बालों में बहुत सुंदर और तेल लगा रहे हैं चंदन का, पान खा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं नौकर जगह, इस अपुलेंस में रहते हैं, लेकिन अंदर क्या भाव रहता है उनका, अंदर भगवान का शुद्ध भाव, गदाधर पंडित जज कर लेते हैं उनको, भाई कैसे वैष्णव है, कितने ठाट वाट में रह रहे हैं, सिंपल रहना चाहिए वैष्णव को, तो और मुरारी गुप्ता समझ जाते हैं इस बात को, मुकुंद समझ जाते हैं कि भाई ये जो है इनके मन में ये संदेह आ गया है, पंडित जी को लेकर मन में संदेह आ गया है, तुरंत क्या करते हैं, तुरंत भागवतम से श्लोक कोट करते हैं मुकुंद, जैसे पूतना को उतना भगवान के पास आई थी भगवान को मारने के लिए, ये श्लोक कोट करते हैं, भगवान ने क्या दिया उसको, भगवान उसे मुक्ति दे दी, उतना मारने आई थी भगवान को, भगवान ने क्या दिया उसको, मुक्ति दे दी, सोचिए इतने दयालु हैं भगवान, कम मा दयालु शरणम ब्रजे मा, तो श्लोक कोट करते हैं और श्लोक सुनते ही पुंडरीक विद्या नदी क्या हो जाते हैं, पूरे भाव में जाते हैं, अश्वत्थ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, कि भगवान कितने दयालु हैं, भगवान ने जो है पूतना जो मारने आई थी स्तनों में हलाहल विष लेके आई थी है, उसको भगवान ने अपनी माता का दर्जा दे दिया, उन जगह इतने दयालु हैं, और जब सुनते हैं पूरे भाव में आ जाते हैं, कपड़े फाड़ने लग जाते हैं, उछल रहे हैं, गिर रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, गदाधर पंडित देखते हैं कि इतने अष्टसात्व विकार उत्पन्न हो रहे हैं इनके अंदर, तो बड़े उनको हृदय में ग्लानि होती है कि इतने महान वैष्णव के प्रति मैंने मन में अपराध कर, क्योंकि मन में अपराध आ गया तो एक दिन जुबान पे आ ही जाता है अपराध, पता नहीं चलता, हम रजोगुण तमोगुण में ग्रसित हो जाते हैं, जब रजोगुण में आते हैं तो हम पता नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं, तमोगुण में हम क्या बोल रहे हैं पता नहीं चलता हमको, हम सतोगुण हमेशा रहते नहीं है, तो मन में आ गया तो वाणी पे आ ही जाता है, तो उनके मन में अपराध हो गया, उनको लगा तो बड़ा अपराध हो गया मेरे से, इतने महान वैष्णव हैं उनको बड़ी अपराध कर दिया मैंने, तो फिर जो है वो बोलते हैं मुकुंद से अपराध हो गया मेरे, तब मुकुंद को उपाय देते हैं उनको, आप क्या करिए, गदाधर पंडित को बोलते हैं आप इनसे दीक्षा ले लीजिए, आप उनको गुरु बना लीजिए अपना, तो आप अपराध जो खत्म हो जाए, उस तरीके से वो दीक्षा ले लेते हैं उनसे, और उनका अपराध सिखाने में शिक्षा देने के लिए बता रहे हैं यहाँ पे, और उनका जो है वो दीक्षा उन गुरु स्वीकार कर लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे आश्रम आता है, हमको सतर्क रहना चाहिए, वैष्णव समुदाय में रहते हैं बहुत सतर्क, कब किस वैष्णव से अपराध, अपराध जो वैष्णव से ही होते हैं, बाहर के लोग वैष्णव अपराध नहीं कर सकते, जो भक्ति नहीं करते उनको वैष्णव अपराध नहीं लगता है, वैष्णव को वैष्णव अपराध लगता है, मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं और कोई आपको उल्टा सीधा बोल दे, तो आप ये नहीं बोल सकते हे वैष्णव अपराध कर रहे हो हमारे प्रति, आप नहीं, उनको वैष्णव अपराध नहीं लगता है, लेकिन हम सतर्क रहना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए।
भक्तों के बोला गया ना शास्त्रों में, गुरु सुनरमति वैष्णवे जाति बुद्धि अर्चे विष्णु शिलादि। भगवान के अर्च विग्रह को शिला समझना, पत्थर समझना, गुरु को सामान्य व्यक्ति समझना, और वैष्णव में जाति भेदभाव करना, ये हिंदू है, ये अमेरिकन है, ये काला है, ये गोरा है, भेदभाव करना वैष्णव में। और आज का श्लोक जो है देखिए, बड़ा तात्पर्य, बड़ा सुंदर, पढ़िए। कृपा जी बोल रहे हैं, शूद्र को वेद पढ़ाना वर्जित है, क्योंकि यह अपनी मलिन आदतों के कारण ऐसे उपदेश सुनने का पात्र नहीं। जब तक कोई ब्राह्मण गुण संपन्न ना हो ले, तब तक वह वेद नहीं। ऐसा प्रतिबंध ऐसा ही है, ऐसा कि विधि के विद्यार्थी को विधि विद्यालय में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जाता जब तक उसने नीचे की शिक्षा उत्तीर्ण ना कर ली। कृपा जी बोल रहे हैं, शूद्र को वेद पढ़ना वर्जित है। कलयुग में क्या है, कलौ शुद्ध संभवा, कलयुग में सब शूद्र। और आदतें कैसी हैं, ब्राह्मण जो होता है बड़ा ही ब्राह्मण की क्वालिटी बताएगी ना 18वें अध्याय में, शमो दमो तपो सोचम शांति आर्जुमेव ज्ञान विज्ञान वास्तविक ब्रह्म कर्म स्वभाव, ब्राह्मण क्वालिटी, उनके लिए वेद बताएगा, उनके लिए भागवतम। किसके लिए है भागवतम, ब्राह्मणों के लिए नहीं, किसके लिए है, परम निर्मस्त्राणाम सताम, यानी कि एकदम ईर्ष्या नहीं, उनके लिए भागवत है, परम हंस संहिता है भागवत। हम कौन है, हम बद्ध जीव, हमको भागवत पढ़ने का मौका मिल रहा है सुखदेव गोस्वामी पर, प्रभुपाद जी की तात्पर्य ने सरल तात्पर्य दी है, उनको हम समझ सकते हैं, प्रभुपाद जी की कृपा है। और गीता भागवत हमको पढ़ पा रहे हैं प्रभुपाद जी की स्पेशल मर्सी है, क्योंकि इनका वितरण हो रहा है, इनका प्रचार हो रहा है, तभी तो हम संपर्क में आए ना, तभी तो हम पढ़ पा रहे हैं। तो स्पेशल मर्सी है वैष्णव की, प्रभुपाद जी की, भगवान शुद्ध भक्ति की, कि हम भगवान की जो शिक्षाएं हम पढ़ पा रहे हैं, ऑल दो वी आर नॉट क्वालिफाइड। हमारी आदत जैसे हम बता रहे हैं ना कि मलिन आदतों के कारण ऐसे उपदेश सुनने, हम भक्ति कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं है भक्ति करो तो हम एकदम शुद्ध जीवन जी रहे, हमारी आदत हम देख सकते हैं, हमारी जीवन शैली हम देख सकते हैं, हम कितने ब्राह्मणों गुणों को पालन कर पा रहे हैं, फिर भी हमको मौका दिया जा रहा है, लेकिन हमको इस मौके को वैल्यू को समझनी पड़ेगी और हमको अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके तो ये प्रभुपाद जी ने इतना सेक्रीफाइस किया है हमारे लिए। शूद्र को जो है पढ़ना तो अलाउ नहीं है, लेकिन हमको मौका मिल रहा है पढ़ने, तो बड़ी स्पेशल मर्सी है हमको उसको। हरे कृष्ण संतरा भागवतम की, तो प्रश्न तो पूछ